दो दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। सुषमा ने हाल ही में हुए चुनाव में प्रचंड की पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई भी दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल में संसदीय और प्रांतीय चुनावों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता लाने की कोशिशों में सहयोग का आश्वासन दिया है। सुषमा ने सीपीएन मॉइस्ट सेंटर के अध्यक्ष प्रचंड के साथ बातचीत में ये बयान दिया। दो दिन की यात्रा पर कल यहाँ पहुँची सुषमा ने कहा, हम राजनीतिक स्थिरता पाने और विकास के लिए नेपाल को पूरी तरह सहयोग देंगे। दोनों नेताओं ने शुक्रवार सुबह होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा में नाश्ते पर मुलाकात की थी। वहीं प्रचंड ने कहा कि हमने चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन की तैयारी के बाद उभर रहे हालात पर चर्चा की। उनकी पार्टी ने हाल ही में नेपाल में हुए चुनाव में CPN-UML के साथ वाम गठजोड़ बनाया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा, मैंने सुषमा स्वराज से कहा कि हम राजनीतिक स्थिरता और विकास चाहते हैं, जिसके लिए हमें पड़ोसी देशों से सहयोग की जरूरत है। सुषमा ने आश्वस्त किया कि भारत राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए नेपाल के प्रयासों में उसे पूरा सहयोग देगा। टीम न्यूज़ नाउ।